तो चलिए शुरू करते हैं। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर वन स्टेट बना देंगे देश की। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे, नंबर वन। अच्छा राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर वन स्टेट बना देंगे। 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर वन बना देंगे। लेकिन एक सेकंड। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर वन स्टेट बनाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? कर्नाटका को पूरे देश का नंबर वन राज्य बनाने का लिए। इससे एक ही चीज पता लगती है, ये देश की जनता को, आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। शाबाश बेटा।